आओ नाश्ता करने चले, कुछ एक नई जगह मिली है, अपेरेंटली बहुत अच्छा खाना है, आओ। मुझे भूख नहीं है सकी। निधा, निधा ये तुम कैसी बातें कर रही हो? देखो तुमने इतनी देर से कुछ नहीं खाया, हाँ सारी रात जागती रही हो, अब मुझे पता है कि तुम्हें नींद क्यों नहीं आई है। भाई इंसान खाली पेट पे नहीं सो सकता है। और तुम्हारा दिमाग खाली है। हर मेरा दिल इस वक्त मुझे कुछ फील नहीं हो रहा, ना कोई एक्साइटमेंट ना कोई खुशी, कुछ फील नहीं हो रहा सिवाय सिवाय के उनके। कुछ ऐसा फील हो रहा होगा वैसे ही फील करोगी ना, इट्स ऑल राइट, इट्स नो बिग डील, चलो चले बाहर निकलेंगे तो ठीक हो जाएगा। कैसे होगा जाके, हयात की हसन से शादी हो रही है। हयात का क्या लेना देना इसमें, भूल जाओ उसे यार, मेरी और तुम्हारी शादी हो रही है, निकाल दो दिमाग से फजूल बातें। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, मैंने क्या बोला है? यार देखो हमारे पेरेंट्स हमारे इंतजार कर रहे हैं, फाइनली दोनों फैमिलीज खुश हैं कि हम दोनों मिलके एक जिंदगी शुरू करने वाले हैं, और तुम अजीब सी बात को लेकर ब्रेक लगा दिया तुमने। निधा, निधा लिसन टू मी, देखो अंकल आंटी का तो थोड़ा ख्याल करो, हाँ उनकी तो सारी खुशी गम में बदल जाएगी। और तुम्हारी जिंदगी अच्छे शादी करने के बाद बर्बाद हो जाएगी सखी। ऐसा कुछ नहीं होगा, प्लीज ये फजूल बातें अपने जहन से निकाल दो, जिनका कोई वजूद नहीं है। तुम्हारा तो वजूद है ना, मेरा भी और हयात का भी। तो फिर तो बड़ों का भी वजूद है, वो लोग क्या कहेंगे कि आखिरी वक्त में निधा को क्या हो गया, हाँ किस तरह का दौरा पड़ा।